गोरखपुर विश्वविद्यालय पिछले दिनों हुए शिक्षक भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर लगभग एक हफ्ते भर से आपत्तिजनक मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल इस मैसेज में गोरखपुर विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षक और शिक्षिकाओं की छवि खराब करने की बात लिखी गई है। इतना ही नहीं, कुछ शरारती तत्व ने यह आपत्तिजनक मैसेज 21 जुलाई को गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विजय कृष्ण सिंह के मेल पर भी भेज दिया है। इस आपत्तिजनक मैसेज को गंभीरता से लेते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद से वार्ता की, जिसके बाद 21 जुलाई की रात को चीफ प्रॉक्टर ने कैंट थाना में कमला देवी नाम के अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने कहा, ऐसा है कि एक कमला कुमारी नाम के व्यक्ति से नाम से विगत एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर जो है विश्वविद्यालय के खिलाफ अनाप शनाप बातें की जा रही थी, और हद तो तब हो गई जब ईमेल के माध्यम से माननीय कुलपति जी को और विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षिकाओं और विश्वविद्यालय की गरिमा से जुड़े हुए तमाम गणमान्य लोगों के खिलाफ जो है भ्रांतिपूर्ण और तथ्यहीन और अतर्संगत बात जो है लिख करके ईमेल के माध्यम से भेजा गया, जिस पर माननीय कुलपति जी ने कल संज्ञान लेते हुए हमें निर्देश दिया कि कृपया आप इन पत्रों के आधार पर उसका लिखित कॉपी उन्होंने प्रिंट आउट हमको दिया और कहा कि इस पर जो है तत्काल जो है FIR जो है कैंट थाने में लाज किए। सो मैंने रात को लगभग 8 बजे थाने में जा कर के FIR जो है दर्ज कराया। थी तो विगत माह से मार्च से चल रही थी प्रक्रिया, और अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई बात कहनी है, तो लिखित जो है संबंधित अधिकारियों या विश्वविद्यालय प्रशासन से उसको अगर कोई शिकायत है तो उसको करना चाहिए, न कि विश्वविद्यालय की गरिमा को जो है धूल धूसरित करने के लिए अनाप शनाप बेसिर पैर की बातें करनी चाहिए। अगर कोई बात है, कोई शिकायत है, तो उसको प्रॉपर फोरम पर करना चाहिए थे। उस शिकायत का निराकरण होगा, कार्रवाई होगी। माननीय कुलपति जी ने इसलिए कहा कि ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है FIR करिए, ताकि वो पकड़े जाएं और कानून के हिसाब से साइबर क्राइम के तहत जो है उनको सज़ा जो है दिया जा सके। लेकर के भी तमाम आरोप लगाए गए हैं, और ठीक है, अगर कोई आरोप लगाया है तो उसको लिखित रूप से संबंधित जो अधिकारी हैं विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके पास जो है न कि गुमनाम रूप से स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर शिकायतकर्ता प्रॉपर वे में, क्योंकि यह गलत तरीका है कि अमर्यादित तरीके से अभद्रता की भाषा हमारे तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भी जो है वो बातें लिखी गई हैं, उसमें तमाम अमर्यादित शब्दों का प्रयोग है जिसको कि हम बता नहीं सकते आपको। आप पत्र तो आप खुद देख रहे होंगे क्योंकि सोशल मीडिया में है जी। कि ऐसा है कि विश्वविद्यालय की गरिमा को जो है ख़राब करने के लिए कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं, कि वास्तव में गोरखपुर विश्वविद्यालय का एक गौरवपूर्ण अतीत रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। विश्वविद्यालय में काफ़ी दिनों से, लगभग 20-22 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही थी, और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार जो है शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। यह बात अलग है कि अब यह भर्ती जो है रुक गई है, कुछ विभाग हो चुके थे, लगभग 140 के आसपास शिक्षक जो है ज्वाइन कर चुके थे। इसी बीच माननीय HRD मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के, और लोकसभा में, राज्यसभा में यह बात उठी है। इसके बाद जो है तत्काल पूरे भारत में भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यह मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है, और इससे संबंधित जो मुकदमा है वो जो SLP है, वो गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसके आलोक में अग्रिम कार्रवाई होगी। अभी कल वाले मामले में जी, उसमें एक नाम है कमला कुमारी करके,
अब फिलहाल तो अभी नामजद कमला कुमारी के नाम है और वो लगता है उसमें वो नाम टेम्पर किया गया है, लग रहा है कि हाँ काल्पनिक नाम करके, लेकिन वो रिटेन है तो अब वो जांच का विषय है, पुलिस जो है जांच करेगी और आगे और भी सख्त कदम जो है उठाया जाएगा।